हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग एंड सब हेडिंग बताने वाला हूं। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए सिरदर्द बना हुआ रहता है कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ दे देता है, पैराग्राफ के नीचे दो क्वेश्चन दे देता है या तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिख देता है कि इस पैराग्राफ का हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोल देता है। ठीक है, सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि आप लोग इसको छोड़कर नहीं आएंगे। इसके चार नंबर आते हैं, चार नंबर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा मात्र 5 मिनट के वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग यहां पे कि हेडिंग और सब हेडिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पे हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, पहले हेडिंग देख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग उस पैराग्राफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से उस पैराग्राफ का मतलब एक सेंटेंस में पता लग जाए कि पैराग्राफ किस टॉपिक की ओर संकेत कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ दे दिया, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्ले एज इम्पॉर्टेंट रोल इन द आवर डेली लाइफ। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये एक पैराग्राफ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको कहीं भी हेडिंग सब हेडिंग नहीं दिख रहा है। इस टाइप का आपको पैराग्राफ एक ठोक दे दिया जाता है, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अब हेडिंग में जाते हैं हम लोग। अब हेडिंग से इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, उसको एक टाइटल के रूप में, टाइटल के रूप में या हेडिंग के रूप में उसको टॉप में लिखना होता है। ठीक है, कैसे टॉप में लिखना होता है, देखिए सेम टू सेम यही पैराग्राफ को मैं हेडिंग सब हेडिंग करके एक आंसर दिया हूँ नीचे। देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, वंडर ऑफ साइंस लिखा हुआ है, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, ये क्या आपको हो गया, हेडिंग। इसी को कई लोग टाइटल भी बोल देते हैं, इसी को टाइटल भी बोल देते हैं कई लोग, और इसी को हेडिंग बोलते हैं। तो क्या आपका क्लियर हुआ कि हेडिंग किसको बोला जाता है। यहाँ पर लोग आप लोग देख पा रहे होंगे हेडिंग किसको बोलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। उससे ये पूरा पैराग्राफ हम लोग जब पढ़े तो हमको एक चीज़ समझ आया कि ये वंडर ऑफ साइंस की ओर संकेत कर रहा है। तो ये हम लोगों का हो गया हेडिंग। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग को टाइटल, टॉपिक नेम से भी हम लोग देखा करते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि वो पैराग्राफ किस ओर संकेत कर रहा है। अब आते हैं हम लोग सब हेडिंग की तरफ, हम लोग आते हैं यहां पे सब हेडिंग की तरफ। अब सब हेडिंग क्या होता है, जब हम किसी हेडिंग को कुछ पॉइंट्स में अलग अलग करके लिखते या समझते हैं जिससे हेडिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके, इसको पढ़कर हम पैराग्राफ के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ऐसे पैराग्राफ आपको दिया, ये पैराग्राफ है मान लो आप लोग। ठीक है, पैराग्राफ के बाद इसी का देखिए, ये जो लिखा हुआ इसी का मैं हेडिंग और सब हेडिंग बनाया हूँ नीचे। देखिए यहाँ पे आए आप तो यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ में से मैं एक टॉपिक निकाला, एक ठोक टाइटल निकाला, वंडर ऑफ साइंस। तो ये आप लोगों का हो गया हेडिंग, ये क्या हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि ये आपका क्या हो गया सब हेडिंग, इसके अंदर ये हो गया सब हेडिंग। इससे वंडर ऑफ साइंस से पता चल रहा है ना, इसको इंट्रोडक्शन लिख दिया तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये वंडर ऑफ साइंस के अंदर है और ये सब हेडिंग में आता है। जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी सब हेडिंग में आते हैं। ठीक है, ये सभी सब हेडिंग में आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक ये पैराग्राफ था। ठीक है, देखिए इसमें कहीं भी आपको हेडिंग नहीं दिखेगा, सब हेडिंग नहीं दिखेगा, ऐसे ही पैराग्राफ दे दिया आपको। यहाँ पे देखिए वही है, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ मैंने पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैंने टॉप में वंडर ऑफ साइंस लिखा हेडिंग के रूप में, वंडर ऑफ साइंस लिखा हेडिंग के रूप में, और सब हेडिंग के रूप में इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सभी मैं आप लोगों को सब हेडिंग के रूप में यहाँ पे लिखकर दिखा दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जो भी आपके पैराग्राफ आएंगे उसको आप अच्छे से
लिख पाएंगे और सब हेडिंग हेडिंग के बारे में जान पाएंगे। अभी तक जो भी ऐसे स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है बोर्ड एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको लेकर आता हूँ ताकि आसानी से आपको पता चल पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।